Hello everyone. Today I am going to discuss one of the important topic of India is merger of 10 PSU banks in 2020. We will discuss all the aspects behind the merger and how it will impact in coming days in banking sector. So we will discuss one by one all the advantage, disadvantage, technological challenge, government reforms, capital adequacy ratios, new opportunities in market in coming days in very simple manner. तो आज के लिए हमारा introduction में हम लोग discuss करेंगे, जो कि दो report के बारे में discuss करेंगे, Narasimham Committee और एक PG Nayak Committee. और second point हमारा रहेगा merger of banks. Which bank merged with whom and what is the impact? So discuss the 1999 report of the committee to the GOI made the following major recommendation, which is submitted by the Narasimham Committee in 1998. उस report में कुछ recommendations दिया गया था. तो उस recommendations के बारे में हम अभी बात करते हैं. First one is autonomy in banking. To implement this, criteria for autonomous structures was identified by March 1999 and 17 banks were considered eligible for autonomy. तो March 1999 तक identify किया गया था कि 17 banks को हम लोग autonomous status का दर्जा दे सकते हैं. Second point उसमें था stronger banking system. The committee recommended for merger of large Indian banks to make them strong enough for supporting international trade. It recommended a three-tier banking structure in India. तो उसमें ये मेंशन किया गया था कि इंडियन बैंक को मिलाया जाए और इतना बड़ा बना दिया जाए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में भी बिजनेस कर सके. तो उसके चलते थ्री टायर बैंकिंग सिस्टम के लिए रेकमेंड किया गया था. तो थ्री टायर बैंकिंग सिस्टम में क्या क्या आता है? फर्स्ट है थ्री लार्ज बैंक्स विद इंटरनेशनल प्रेजेंस. तीन बैंक ऐसे बनाया जाए जो कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑपरेशन कर सके. आठ से दस बैंक ऐसे बनाया जाए जो कि थ्रू आउट द इंडिया नेशनल लेवल में ऑपरेशन कर सके. और थर्ड था ए लार्ज नंबर ऑफ रीजनल एंड लोकल बैंक्स. तो इसको बोलते हैं थ्री टायर बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया. थर्ड रिकमेंडेशन था कैपिटल एडिक्वेसी एंड टाइटनिंग ऑफ प्रोविजनिंग नॉर्म्स. टू इम्प्रूव द इनहेरेंट स्ट्रेंथ ऑफ द बैंकिंग सिस्टम द कमिटी रिकमेंडेड दैट द गवर्नमेंट शुड रेज द प्रेस्क्राइब्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एज पर बेसेल नॉर्म्स. दिस वुड ऑल्सो इम्प्रूव देयर रिस्क टेकिंग एबिलिटी. तो बेसेल नॉर्म इसीलिए बोला जाता है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हूँ, बेसेल स्विट्जरलैंड में एक सिटी है जहाँ पे बैंकिंग बोर्ड का और बैंकिंग सिस्टम जो ऑल ओवर वर्ल्ड है सबका बैंकिंग कमिटी का मीटिंग होता है. तो उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं कि इतना परसेंटेज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो रहना चाहिए बैंक में रिस्क मैनेजमेंट के लिए. तो रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होने से क्या होगा, बैंक का जो ऑपरेशन है वो सही से चल सकेगा. सेकंड देखते हैं हम लोग पीजे नायक कमिटी. व्हाई द पीजे नायक कमिटी सेटअप, इसको क्यों एस्टेब्लिश किया गया था. In nationalized bank, the government owns more than 50% of the shares, which gives it majority voting rights. तो जब 50 अगर government के पास 50% से ज्यादा shares रहेगा, तो ये bank का owner है और majority shareholder है. तो उसके चलते वो क्या करता था कि inefficient people, जिसको कि bank के बारे में पता नहीं है, इतना professional knowledge नहीं है, फिर भी उनको bank board में government ने appointment करता था. जैसे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुए, पॉलिटिशियंस हुए, ब्यूरोक्रेट्स हुए, जो कि उनको बैंक के बारे में शायद इतना पता नहीं है, फिर भी गवर्नमेंट जो कि मेजोरिटी स्टेक होल्डर है उनको बैंक बोर्ड में बैठाता था, डे टू डे ऑपरेशन का ऑपरेशन और ऑपरेशन के बारे में चेक करने के लिए, जो कि बैंक के लिए सही नहीं रहता था हमेशा. जैसे कि स्कैम होता था, स्कैम जैसे सिंडिकेट बैंक में पहले स्कैम हो चुका है, और उनका जो ओवरऑल एफिशिएंसी था बैंकिंग सेक्टर का वो कम होता था. और कभी कभी लोन भी ऐसे पर्सन को दिया जाता था जो कि लोन पाने के लिए एलिजिबल नहीं है, फिर भी इन लोग के प्रेशर में लोन बैंक ने प्रोवाइड करता था और बाद में वो शायद बैड डेब्ट भी कन्वर्ट होके पैसा बैंकिंग सिस्टम को लौटता नहीं था और रिटर्न नहीं हो पाता था, तो ये बैंकिंग सेक्टर के लिए लॉस होता था. एज पर पीजे नायक कमिटी द गवर्नमेंट शुड सेटअप ए बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी BIC एज ए होल्डिंग कंपनी और ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी
फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो एक बैंक इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाया जाए जिसके अंदर सभी पब्लिक सेक्टर काम करें। सेकंड पॉइंट है द गवर्नमेंट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स इन द बैंक्स टू दिस बीआईसी। सो द बीआईसी वुड बिकम द पैरेंट होल्डिंग कंपनी ऑफ ऑल दिस नेशनल बैंक्स। तो अगर बीआईसी बनाया जाएगा तो बीआईसी के अंदर गवर्नमेंट जितना भी स्टेक होल्ड किया है सभी पीएसयू बैंक्स का, जैसे 50%, 60%, 70% जो भी होल्ड किया है, बीआईसी को ट्रांसफर हो जाएगा। और बीआईसी क्या हो जाएगा कि पैरेंट होल्डिंग कंपनी, मतलब जो सभी शेयर्स को होल्ड करेगा। और उसके अंदर जितने डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट होगा, जितना पॉलिसी डिसीजन होगा, सब बीआईसी के द्वारा कंट्रोल होगा। और बीआईसी विल बी कंट्रोल ऑल दिस डिसीजंस एंड अपॉइंटमेंट। नेक्स्ट पॉइंट उसमें देखते हैं, अनटिल द बीआईसी इज फॉर्मड। बीआईसी एक जो बनाया जाएगा एक बॉडी, और जो एक गवर्नमेंट का मतलब ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा उसको बनाने के लिए टाइम लगेगा। तो जब तक ये बॉडी बनाया नहीं गया है तब तक बैंक बोर्ड ब्यूरो बीबीबी विल टेक केयर ऑल दिस फंक्शंस ऑफ बीआईसी। तो जब तक ये बनाया नहीं गया है बीआईसी तब तक बीबीबी ये सब जो काम ऊपर में बताया हूं वो हैंडल करेगा। और जब ये बीआईसी फॉर्म हो जाएगा बीबीबी को बंद कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट उसमें देखते हैं, द बीबीबी विल एडवाइस ऑन अपॉइंटमेंट्स टू द बोर्ड, बैंक चेयरमैन एंड अदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो जो भी अपॉइंटमेंट होगा हायर लेवल में, हायर मैनेजमेंट में, जैसे चेयरमैन हुआ और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये सबको बैंक बोर्ड्स ब्यूरो हैंडल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, मेगा मर्जर ऑफ बैंक्स इन 2020। तो ये जो मर्जर हो रहा है इसके पीछे रेगुलेशन क्या है, एक्ट क्या है, उसके बारे में चेक करते हैं अभी। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 एंड सेक्शन 9 ऑफ द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1980, द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हियर बाय मेक्स द डिसीजन फॉर मर्जर ऑफ पीएसयू बैंक्स। तो जो सेक्शन 9 है वो किसके अंदर आता है, जो बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1970 एंड 1980, उसके अंदर बोला गया है कि एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स हो सकता है। तो सेंट्रल बैंक हमारा जो आरबीआई है और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों डिस्कस करके ये जो मर्जर प्रोसीजर को फाइनलाइज किए हैं। तो ये मर्जर होने के बाद हमारा जो 18 बैंक है वो 12 बैंक को कम हो जाएगा, मतलब 2020-21 फाइनेंशियल ईयर से सिर्फ 12 बैंक हमारा कंट्री में रहेगा पीएसयू में। इट इज ओनली पीएसयू नॉट प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो इसमें से जो चार बड़े बैंक है जो कि एक्वायर्ड कर रहे हैं डिफरेंट बैंक को, उनका नाम क्या है, और ये भी बोल सकते हैं कि तो फोर एंकर बैंक्स जो कि मेन बैंक है। फर्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक, सेकंड कनाडा बैंक, थर्ड यूनियन बैंक, लास्ट वन इज इंडियन बैंक। तो अभी डिस्कस करते हैं व्हिच बैंक मर्ज्ड विथ हुम एंड व्हाट इज द इंपैक्ट। सो द न्यू मर्जर्स इंक्लूड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स विल बी मर्ज्ड विथ पंजाब नेशनल बैंक। सिंडिकेट बैंक मिलेगा जाके कनाडा बैंक के साथ, अलाहाबाद बैंक मिल रहा है इंडियन बैंक के साथ, आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक विल बी कंसोलिडेटेड विद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इफेक्टिव अप्रैल 1st ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ओबीसी जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है, जाके इन लोग जाके मर्ज होंगे पीएनबी के साथ। पीएनबी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो आफ्टर द मर्जर दिस टुगेदर विल फॉर्म द सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन द कंट्री आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहां पे मैं बोल रहा हूँ पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में, तो ये पब्लिक सेक्टर में सेकेंड बन जाएगा। अगर मैं प्राइवेट को इसमें मिला दूं तो ये थर्ड होगा, एक्चुअली सेकेंड में आएगा एचडीएफसी बैंक। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर में सेकेंड हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड बैंक है कनारा बैंक, कनारा बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पे है, बैंगलोर में है। और ये जाके किसके साथ मिल, तो इसमें कौन सा बैंक आके मिल रहा है, सिंडिकेट बैंक। सिंडिकेट बैंक का भी हेडक्वार्टर कर्नाटक में है। देन J
चेन्नई बेस्ड इंडियन बैंक विल एक्वायर कोलकाता हेडक्वार्टर अलाहाबाद बैंक। तो अलाहाबाद बैंक को कौन खरीद रहा है, यहाँ पे जो एक्विजिशन कर रहा है चेन्नई, तो इंडियन बैंक जो कि चेन्नई में बेस्ड है। और मुंबई हेडक्वार्टर यूनियन बैंक ऑन द अदर हैंड विल एब्जॉर्ब हैदराबाद हेडक्वार्टर आंध्रा बैंक एंड मैंगलुरु हेडक्वार्टर कॉर्पोरेशन बैंक। तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन बैंक जिसका हेड ऑफिस मैंगलुरु में है और आंध्रा बैंक जिसका हेड ऑफिस हैदराबाद में है, ये दोनों जाके मिल रहे हैं किसके साथ, यूनियन बैंक के साथ। और ये भी बोल सकते हैं यूनियन बैंक ये दोनों बैंक को एक्वायर कर रहा है। Each of the amalgamated entities with scale and national reach would have a business of over 8 trillion. तो ये जो चार मेगा मर्जर हो रहा है, मतलब जो 10 बैंक मर्ज होके 4 बैंक हो रहे हैं, तो सभी का मतलब एक एक बैंक का बिजनेस 8 लाख करोड़ से ऊपर है। मतलब ये एक बड़ा बैंक बनने में जा रहे हैं चारों के चारों। तो उसके बारे में और थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये मर्जर के बाद 6 बैंक ऐसे रह जाएगा जो कि मर्ज एंटिटी है। वो 6 कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, कनारा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन बैंक। और 6 इंडिपेंडेंट बैंक रहेंगे, उनका नाम इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड पंजाब एंड सिंध बैंक। तो नीचे हम लोग डिस्कस करते हैं, मैं जो स्क्रीनशॉट दिया हुआ हूं कि जो मर्जर के बाद कैसे उनका रैंकिंग रहेगा बिजनेस में और बिजनेस साइज क्या रहेगा और उनका जो कोर बैंकिंग सिस्टम है वो क्या यूज करते हैं, तो आपको इजी होगा फिगर आउट करने में। एंकर बैंक कहां में कौन सा है फर्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक, उसमें साथ कौन सा बैंक जाके मिल रहे हैं, और ओबीसी एंड यूबीआई, उनका बिजनेस साइज टोटल कितना हो जाएगा मर्जर के बाद, 17.94 लाख करोड़। और वो रैंकिंग कितना हो जाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको भी बता चुका हूं, सेकेंड लार्जेस्ट पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक में। और उनका कोर बैंकिंग सिस्टम इन लोग क्या फॉलो, मतलब उनका क्या इंप्लीमेंट है उनके बैंकिंग सिस्टम में, फिनाकिल है। कनारा बैंक ऐसा एंकर बैंक है और एक है, उसमें जाके सिंडिकेट बैंक जाके मिल रहा है, और उनका बिजनेस साइज कितना हो जाएगा, 15.20 लाख करोड़, और वो फोर्थ लार्जेस्ट हो जाएगा। और उनका कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है, आईफ्लेक्स। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो कि और एक एंकर बैंक है, उसमें जाके आंध्रा बैंक एंड कॉर्पोरेशन बैंक मिल रहे हैं, उनका बिजनेस साइज है 14.59 लाख करोड़, एंड दिस बैंक इज फिफ्थ लार्जेस्ट बैंक इन पीएसबी। और ये इसका फिनाकिल जो है उसका कोर बैंकिंग सिस्टम है। नेक्स्ट वन इज इंडियन बैंक, एंकर बैंक है, उसमें जाके अलाहाबाद बैंक मिल रहा है, और उसका बिजनेस साइज है 8.08 लाख करोड़, और वो 7 लार्जेस्ट है। और इसका सीबीएस क्या है, बीएएनसीएस। तो अगर चारों को देखें तो चारों का बिजनेस आप देख सकते हैं 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। सो इन कमिंग डेज आई विल बी डिस्कस अबाउट द न्यू बैंकिंग ऑर्डर इन इंडियन बैंकिंग सेक्टर आफ्टर मर्जर, हाउ इट विल बी इम्पैक्ट इन आवर बैंकिंग सेक्टर एंड हाउ बिग दीज बैंक्स आर। सो वॉच फॉर दिस इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। Please watch my videos in coming days. Don't forget to like, share, and subscribe my channel.